सो गुड गुड इवनिंग दोस्तों। सो दोस्तों, आज कनाडा बैंक का न्यूज़ के बारे में थोड़ा आपके साथ थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सा न्यूज़ है, आप लोगों शायद नहीं जानते हो कितना इंपॉर्टेंट सा न्यूज़ है कनाडा बैंक के लिए। सो दोस्तों, जो टॉपिक को शुरू करने से पहले दोस्तों प्लीज़, मेरा चैनल का नाम है नॉलेज IQ TV और मेरा नाम है दोस्तों अर्पण गोहराय। सो दोस्तों, जल्दी से जल्दी आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा चैनल का नाम है नॉलेज IQ TV। प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा चैनल को लाइक कीजिए और मेरा बेल जो आइकन है उसको इनेबल करके रखिए, क्योंकि इन फ्यूचर अगर हम कोई भी वीडियो पब्लिश करते हैं तो सीधा आपके पास वो वीडियो आना चाहिए। सो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मेरा जो बेल आइकन है उसको इनेबल करके रखिए, और दोस्तों प्लीज़ प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, मैं इंस्टाग्राम में भी हूँ, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। दोस्तों, मेरा चैनल का नाम है नॉलेज IQ TV। सो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो। सेकेंड दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सा न्यूज़ है, तो टॉपिक के बाद आपके साथ थोड़ा करते। सो कनाडा बैंक ने अपॉइंट किया है SK मजूमदार जी को एज ए चीफ फिनेंस ऑफिसर्स। सो दोस्तों, ये टॉपिक यही होने वाला है दोस्तों, क्योंकि कल ही अपॉइंटमेंट हुआ था। क्योंकि आप जानते हो दोस्तों, जो SBI है, कनाडा बैंक है, बहुत प्रॉफिट शेयर शेयर किए थे, और कनाडा बैंक बहुत अच्छा काम कर रहा है दोस्तों। उसका बैंकिंग का जो प्रॉफिट शेयर, बैंकिंग का मतलब जितने भी मतलब डिजिटल बैंकिंग का हो गया दोस्तों, उसके बाद फोन बैंकिंग हो गया, उसका मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, सब अच्छा काम कर रहे हैं दोस्तों। क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि कनाडा बैंक का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है दोस्तों। यूनियन तो स्ट्रांग है ही, कनाडा बैंक का मैनेजमेंट भी स्ट्रांग है। तो दोस्तों, कनाडा बैंक ने अपॉइंट किया है नया SK मजूमदार जी को एज चीफ फाइनेंस ऑफिसर्स। बहुत एक गुड न्यूज है। तो दोस्तों, आइए जानते कौन है SK मजूमदार और क्या है इसका एक्सपीरियंस है, जो कनाडा बैंक ने इसको चीफ फाइनेंस ऑफिसर का पोस्ट दिया है। आइए दोस्तों, दोस्तों आप देख रहे हो, मजूमदार हैज वास्ट बैंकिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 21 ईयर्स। दोस्तों आप देख सकते हो, 21 साल का एक्सपीरियंस है मजूमदार सर का। इसलिए तो कनाडा बैंक ने मजूमदार जी को एज ए CFO चुना है जो दोस्तों। क्योंकि अगर आप बैंक में काम करते हो, वेरियस ऑफ पोस्ट में काम करते हो, उसके बाद गवर्नमेंट आपका प्रमोशन करते है, आपका सैलरी हाइक करते है, तो मजूमदार जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनका एक्सपीरियंस है मोर देन 21 ईयर्स दोस्तों कनाडा बैंक में। मतलब कनाडा बैंक का लोगो का इधर में टैगलाइन है, कनाडा बैंक टुगेदर वी कैन। तो दोस्तों, बेंगलोर का सबसे बड़ा एक बैंक है, मतलब पूरा इंडिया में आज वो राज कर रहे, मतलब स्टेट ओन, मतलब इंडियन गवर्नमेंट का बैंक है दोस्तों, स्टेट ओन बैंक कनाडा बैंक। सो उन्होंने मजूमदार जी का 21 साल का एक्सपीरियंस के कारण उसको एज ए CFO चुना है। तो दोस्तों, सेकंड में क्या बात कर रहे वो आपको बताते हैं। तो कनाडा बैंक हैज डेजिग्नेटेड एस के मजूमदार जी जनरल मैनेजर ऑफ द बैंक एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मीन CFO। तो दोस्तों, पहले SK मजूमदार जी एज ए जनरल मैनेजर काम करते थे दोस्तों। आप तो जानती हो, पहले जब आप काम में आओगे तब आप PO हो, PO, उसके बाद आप मैनेजर, उसके बाद आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर, उसके बाद आप जनरल मैनेजर, उसके बाद आप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए IBPS कोर्स कैसे एग्जाम देने, IBPS कोर्स को किस तरीके से क्रैक करना हो, तो सब आपको टॉपिक आपको देने वाले हैं हम, ठीक है दोस्तों। सो May 31, 2021, मतलब कल दोस्तों, मतलब कल नहीं, परसों, मतलब May 31 को एज ए CFO उसको प्रेजेंट किया है कनाडा बैंक ने, प्लेस ऑफ वी रामाचंद्र एज ए चीफ जनरल मैनेजर, ठीक है दोस्तों। मजूमदार जी का एज अभी तक 52 ईयर्स हो गए दोस्तों, और उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट किया है और पोस्ट अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन, हैज वास्ट बैंकिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 21 ईयर्स इन वेरियस बैंक ब्रांचेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस इन वेरियस सिटीज में।
दोस्तों मजुमदार जी का अभी तक 52 ईयर्स है, अभी तक 8 साल उनका नौकरी है। और मजुमदार जी एज ए चीफ अकाउंटेंट भी मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट उसका एक्सपीरियंस है, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट में वो प्रोफेशनल है। उसके साथ साथ कॉस्ट अकाउंटेंट, जैसे इसको बोलता है दोस्तों ICW, ICW भी क्रैक कर चुके हैं दोस्तों। इस इतना वास्ट एक्सपीरियंस है और 21 साल का एक्सपीरियंस में बहुत सारा ब्रांचेस में वो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी दे चुके हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों उनको चीफ फिनेंस ऑफिसर का पोस्ट मिला है। ही हैज़ बीन एसोसिएटेड विथ बैंक सिंस जनवरी 2000, मतलब पहले जो उसका बैंकिंग करियर स्टार्ट हुआ था वो 2000 में स्टार्ट हुआ था। अभी 2000 है, अभी 2021, तो टोटल कितना हुआ, 21 साल का नौकरी हो गया। द बैंक इज रेगुलेटरी फिलिंग ऑफ एक्सचेंज सेट, मतलब बैंक ने बता दिया है, मतलब 21 साल का तजुर्बा होने के कारण, एक्सपीरियंस होने के कारण उसको ऐसा जॉब मिला है दोस्तों। मुझे लगता है मजुमदार जी को एज ए CFO बना के कनाडा बैंक बहुत एक अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि हम जानते हैं पर्सनली मजुमदार जी को और बहुत अच्छा काम करेंगे इसके मजुमदार जी। और यही बताना चाहते हैं आज का टॉपिक दोस्तों, हम यही ख़त्म करते हैं, थोड़ा आपको थोड़ा नॉलेज दे देने के लिए, क्योंकि बहुत सारा लोग नहीं जानते कनाडा बैंक का CFO कौन है, कनाडा बैंक का CEO कौन है। बहुत लोग ये तो जान पाते टाटा ग्रुप का CEO कौन है, उसके बाद रिलायंस ग्रुप का CEO कौन है, लेकिन कनाडा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, SBI का उतना सारा नॉलेज नहीं रखते। सिर्फ जानते बैंक है, इस नाम का बैंक है, लेकिन हम नॉलेज देना चाहते हैं कनाडा बैंक ने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए दोस्तों कनाडा बैंक का प्रॉफिट शेयर बहुत अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले प्लीज प्लीज दोस्तों मेरा नॉलेज IQ TV को आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इसके बाद हम टॉपिक लेके नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे मोटिवेशन चाहिए। अगर मोटिवेशन कैसे मिलेगा दोस्तों, आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हो नॉलेज, मतलब मेरा नॉलेज IQ TV को देखते हो, उसके बाद तो मोटिवेशन आएगा ना। और दोस्तों जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग प्लीज मास्क पहन के बाहर जाइए दोस्तों, क्योंकि वैक्सीन का शॉर्टेज चल रहा है और विदाउट मास्क आप लोग बाहर मत जाइए दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू।